हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और ये देखिए, ये मेरा पुदीना का ये भी मांग के मैंने लगाया था। और ये छोटे से जो मिठाई का डब्बा होता है उसमें ग्रो किया है। और ये पानी में मैंने एलोवेरा ग्रो किया है, तो पानी में भी बहुत अच्छी तरह से आप एलोवेरा ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ मैं सीड शेयर करूँगी जो कि मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं और बहुत अच्छे हाइब्रिड वाले हैं। तो आज मैं वो भी शेयर करूँगी कौन से सीड हैं जो मैं वो कलेक्ट कर रही हूँ आपको देने के लिए। और ये देखिए, छोटे छोटे बोतलों में ये जब प्लांट ग्रो होते हैं तो बहुत खुशी होती है। मेरे ख्याल से बड़े प्लांटर में जो ग्रो करते हैं और जो फ्री में ग्रो करते हैं उसकी खुशी और ही रहती है। और ये देखिए, टमाटर खुद ब खुद ग्रो हो गया है। और ये मिर्ची भी देखिए, पानी वगैरह मिर्ची के काटते हैं और उसमें सीड गिर जाते हैं तो ग्रो हो गया। इसी में पुदीना भी ग्रो हो गया है। और इधर मेरा जो पेठा बनता है, बढ़िया बनती है, ये भी पक के तैयार हो गया। तो मौसम अच्छा होगा तो फिर ये धूप में बढ़िया बनती है, तो ये भी पक गया है। तो ये भी मेरा सब्जी आया हुआ था पेठा, तो उसके बीज वगैरह पीछे गिर गए थे तो खुद ब खुद ग्रो हो गया है। और ये देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए रखी हूँ। बहुत सारे इसके बीज तैयार हो गए हैं। ये तुरई है और हाइब्रिड वाला है, बहुत अच्छे इसमें फूल आते हैं। बहुत सारे इसमें तुरई मेरे पास बहुत इकट्ठे हो गए हैं। इसमें बीज देखिए, ये पका हुआ है, तो अगर जिसे चाहिए वो मुझसे ले सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि किनको किनको प्लांट मिला। और उन्होंने वीडियो भी भेजा है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से मिल गया है, तो मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और देखिए, ये जो तुरई के अब पेड़ ख़राब हो गए हैं, तो इसकी जो पत्तियाँ हैं ये बहुत ही लीफ कंपोस्ट का बहुत अच्छा काम करती है। अगर ये सूखी पत्तियों को हम अगर इकट्ठा कर लें तो ये बहुत अच्छा खाद का काम करता है। और देखिए, मैंने दो बोरियाँ भर ली हैं। और ये इसमें अब मैं बीच बीच में पानी देती रहती हूँ और ये वन मंथ में बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। तो देखिए, ये भी फ्री का ही है। तो अगर आपको पार्क वगैरह में कहीं भी मिले तो आप पत्तियाँ इकट्ठा करके ला सकते हैं, या घर की जो हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो अब आज मैं छोटी सी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी जो कि मेरे फ्री के ही हैं। और तो सबसे पहले मैं ये टमाटर बहुत दिनों से पक गए थे, तो मैं सोची आज मैं तोड़ के आपको दिखा ही दूँ। और जो घर में जो टमाटर आते हैं तो हम ज़्यादातर हम बीज उसमें से निकाल देते हैं, तो उन बीजों को आप किसी भी गमले में डाल दें तो बहुत सारे बेबी प्लांट तैयार हो जाते हैं। और यकीन मानिए कि इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग आती है। आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी फ्रूटिंग आती है। और ये मत सोचिएगा कि जो बाहर बाज़ार से आता है उसमें जो सीड होते हैं उससे प्लांट ग्रो नहीं होते हैं। बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, बट उसमें आप अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद वगैरह बीच बीच में देते रहें। तो देखिए कितना फ्रेश और हेल्दी टमाटर हुए हैं। और देख ही सकते हैं कितना टमाटर मैंने आज निकाला है, और बहुत सारे अभी पकने के लिए तैयार हैं। और ये भी जो सूखी हुई मिर्ची आती है या जो लाल हो जाती है, वो किसी भी पॉट में डाल दें। इसके लिए कोई स्पेशल पॉट की ज़रूरत नहीं है, जो बड़े पॉट हैं उसी पॉट के नीचे आप डाल दें तो ये प्लांट बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं। फिर आप अलग अलग करके आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं या किसी बेकार सी बोरी वगैरह में। मेरे तो ये सारी बेकार की बोरी में लगी हुई है, और नीचे जितनी सब्जियाँ की छिलका है वो सारे रखे हुए हैं। और ये देखिए, ये भी इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। सब खुद ब खुद ये अपने आप ये ग्रो हुए हुए हैं, और मैंने इनके लिए कोई बाहर से बीज नहीं मंगाया हुआ है। तो ये सारे फ्री के ही हैं और आज ये मुझे फ्री के ही खिला रहे हैं। और इतनी तीखी मिर्ची है कि एक डाल दो तो फिर दूसरा डालने की ज़रूरत नहीं। और ये मैंने पकने के लिए छोड़ रखा है कि ये जब पक जाएंगे, बीज बन जाएंगे, तो फिर मैं इसी से ही प्लांट ग्रो कर लूँगी। तो एक बार एक प्लांट से हम बार बार प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये आलू, तो आलू ये मैंने जो ख़राब हो गए थे मैंने उसमें डाल दिए थे तो उसमें ग्रो हो गए हैं। तो ये जो इसके पत्ते होते हैं, जो ऊपर जो कोमल जो पत्ते होते हैं, जो सॉफ्ट पत्ते, उसको आलू को के साथ फ्राई करके बहुत टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी होता है। तो कुछ मैं इसकी पत्तियाँ भी हार्वेस्ट कर रही हूँ, और ये आलू के साथ मैं इसकी सब्जी बनाऊँगी। और ये सारे मेरे कोरिएंडर, तो कोरिएंडर सबके घर में धनिया रहता है, तो धनिया, मेथी,
और लहसुन ऐसी चीज़ है जो घर में ही रहती है, और इवन सौंफ, अजवाइन हुआ, जीरा हुआ, आप ग्रो कर सकते हैं। और कुछ लोग तो आजकल इलायची वगैरह भी ग्रो करें, मैंने इलायची तो कभी ग्रो किया नहीं। और देखिए कितनी फ्रेश धनिया है, तो दो चार पत्तियां भी निकल जाती है तो बहुत है। और देखिए कितने बड़े बड़े पत्तियां हैं, और सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल इसमें मिला हुआ नहीं है, सब सब्जियों की खाद में ही बने हैं। तो छोटे छोटे पॉली बैग हुआ, या जो आटे के पॉली बैग आते हैं या चावल के, तो उसे फेंके नहीं। अगर मिट्टी की प्रॉब्लम है तो जितने भी एक मुट्ठी मिट्टी नीचे रख दें पॉली बैग के, और उस पर से जितनी सब्जियों के छिलके वगैरह हैं आप उस पर भर दें, फिर उस पर एक मुट्ठी मिट्टी डाल के कोई भी प्लांट लगा दें, नीचे आपका खाद बनते रहेगा और आपके प्लांट फ्री के ग्रो होते रहेंगे, और उसे स्मेल भी नहीं आएगा। तो मैंने इसी तरह करके सारे प्लांट लगाए हुए हैं और सारे फ्री के हैं, और देखिए आज मुझे कितनी अच्छी ये फ्रेश लीफ कोरिएंडर के मिल रहे हैं। तो आप भी इन सब चीज़ों को फेंके नहीं, इन सब चीज़ों को फेंकने से इन्वायरमेंट और पॉल्यूटेड ही होता है, ख़राब होता है। और जब इन फ्री के चीज़ों से और फ्री के पॉट में जब इतने सारे चीज़ें ग्रो होती है तो दिल की बहुत खुशी मिलती है। और ये देखिए, ये भी मेरा जो टोकरी आता है वो फट गया था, तो उसी में मैंने सीड कोरिएंडर के सीड ग्रो कर लिए हैं। और ये सरसों है, तो सरसों तो मैंने फ्लावर के लिए लगाए हैं, इसके पीले फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो होप मेरी ये शेयरिंग पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।